नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हिस्ट्री ऑफ हांगकांग है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं जो भी वीडियोस अभी तक अपलोड किए हैं वो आपके एग्जाम प्रिपरेशन में ज़रूर मदद मिलेगा। फ्रेंड्स, इससे पहला वीडियो मैंने हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफी बनाया है, आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखें, और यहाँ पे आई बटन्स पे आपको ज़रूर मिल जाएगा। फ्रेंड, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड, हिस्ट्री ऑफ हांगकांग इज ऑटोनॉमस ट्रीटी एंड द फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी इन साउथर्न ईस्टर्न चाइना। इट बिकम अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ओपियम वॉर इन 1842। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि हांगकांग को 1898 में ब्रिटिश ने चीन पे पट्टे पर लिया था। वास्तव में ब्रिटेन ने चीन के साथ पहले अफीम युद्ध 1842 तथा दूसरे अफीम युद्ध 1860 के बाद हांगकांग पर कब्जा कर लिया था। फ्रेंड्स, ओके, सो इसके बाद फ्रेंड्स, पट्टा की जो अवधि थी वो पूरा होने के बाद 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन को वापस कर दिया। फ्रेंड्स, ओके, सो एज ए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हांगकांग मेंटेन गवर्निंग एंड इकोनॉमिक सिस्टम दैट आर सेपरेट फ्रॉम दोज मेनलैंड ऑफ चाइना। इन द 1984 सिनो ब्रिटिश ज्वाइंट डिक्लेरेशन गारंटी द बेसिक लॉ फॉर 50 ईयर आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी। 1997 के बाद जब चीन को हांगकांग सौंपा गया तो उसे कुछ एक बेसिक लॉ दिया गया 50 साल के लिए, कि 50 साल तक जो हांगकांग है वो अलग रहेगा। इट डज नॉट स्पेसिफाई हाउ हांगकांग विल बी गॉन आफ्टर 2047 एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रोल इज डिटरमाइनिंग द टेरिटरी फ्यूचर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डिबेट एंड स्पेक्सुलेशन। 2047 के बाद हांगकांग किसके साथ रहेगा, क्या होगा, कोई नहीं जानता है। ओके फ्रेंड्स, सो इट वॉज द ब्रिटिश कॉलोनी फ्रॉम 1841 अंटिल सॉवरेनिटी वॉज रिटर्न टू चाइना। 1841, जैसे मैंने आपको कहा, अफीम की पहली युद्ध 1842 में हुआ। सो 1841 से 97 तक ब्रिटिश ने वहाँ पर राज किया हांगकांग पर, और फिर 1997 में हांगकांग को चाइना के पास सौंप दिया गया। हांगकांग इज नाउ अ पार्ट ऑफ चाइना अंडर वन कंट्री टू सिस्टम प्रिंसिपल। फ्रेंड्स, ये हांगकांग है जो चाइना का पार्ट है, वन कंट्री टू सिस्टम के अंतर में आता है, लेकिन अब वो इस समझौते का पालन नहीं कर रहा है। वो नए नए अपने हथकंडे आजमा रहा है हांगकांग को अपने साथ रखने के लिए। अंडर दिस सिटी ऑफ हांगकांग रिमेन अ सेमी ऑटोनोमस रीजन विद बेसिक लॉ फॉर 50 ईयर। दिस एनश्योर द हांगकांग कीप इट्स ऑन जुडिशियल इंडिपेंडेंस, इट्स ऑन लेजिस्लेचर एंड इकोनॉमिक सिस्टम। आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, हांगकांग ने अपना खुद का जुडिशियल इंडिपेंडेंस ऑन इट्स लेजिस्लेचर एंड इकोनॉमिक सिस्टम बना रखा है। इट हैज़ इट्स ऑन लॉ एंड कोर्ट्स एंड अलाउ रेसिडेंट रेंज ऑफ सिविल लिबर्टीज। सभी प्रकार के उनके अपने नागरिकों के लिए सभी प्रकार के खुद का नियम है, खुद का लॉ है, सभी प्रकार की खुद की छूट है। हांगकांग सिटीजन हैव मोर ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम मेनलैंड ऑफ चाइनीज। सभी कुछ हांगकांग के अधिकार में है, बट इलेक्टिव प्रोसेस इज स्टिल कंट्रोल्ड बाय चाइना। ओके फ्रेंड्स, सो मैं आपको फ्रेंड्स अब हिस्ट्री में, रियल हिस्ट्री में आपको ले जाता हूँ। हांगकांग की समस्या क्या थी? हांगकांग की समस्या चीन की आधुनिक नीतियों तथा इसकी इंटरनेशनल समझौता का पालन ना करने की प्रवृत्ति का एक जीता जागता एग्जाम्पल उदाहरण है। द बेसिक लॉ डिटेक्ट्स दैट द हांगकांग विल रिटेन इट्स कॉमन लॉ एंड कैपिटलाइज सिस्टम फॉर 50 ईयर आफ्टर द हैंड ओवर इन 1997। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ क्या कारण रहा होगा कि हांगकांग को ब्रिटिश के हाथ में जाना पड़ा। 19वीं शताब्दी के मध्य में चीन और मुख्यतः ब्रिटेन के बीच लड़े गए दो युद्ध अफीम युद्ध कहते हैं। 19वीं शताब्दी में लंबे समय से चीन और ब्रिटेन के बीच में चल रहे व्यापार विवादों की चरम अवस्था में पहुंचने के कारण प्रथम युद्ध 1839 से 1842 तक चला और दूसरा 1856 से 1860 तक चला। दूसरी बार फ्रांस भी ब्रिटेन के साथ लड़ा। दोनों ही युद्धों में चीन की पराजय हुई और चीन की शासन को अफीम का अवैध व्यापार सहना पड़ा। चीन को नैनजिंग की संधि तथा तैनजिंग की संधि करनी पड़ी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो प्रथम युद्ध है वो 1839 से 42 है और दूसरा है 1856 से 1860 है। दूसरी लड़ाई में फ्रांस भी ब्रिटेन के साथ था, और ये लड़ाई जब ख़त्म हुई तो उसमें चीन को नैनजिंग की संधि तथा तैनजिंग की संधि करनी पड़ी थी। ओके, और इससे मैं ज़्यादा डीप में आपको लेके चलता हूँ कि हिस्ट्री का और क्या कारण इसका रहा होगा। शुरुआत में ब्रिटेन
कि चीन के साथ व्यापार में कमी आई और ब्रिटेन द्वारा भारत से चीन में अफीम की तस्करी को लेकर हुई। फ्रेंड्स, ब्रिटिश क्या करते थे कि चीन में अफीम की तस्करी करते थे, जो भारत में उगाया जाता था वो उन्हें वहाँ पे ले जाके बेचते थे। ये अब उनका रेवेन्यू सिस्टम था। चीन के कानून के अनुसार अफीम का आयात करना प्रतिबंध था। वो उनके लिए आयात का उस समय ये मतलब वहाँ पे अलाउड ही नहीं था, जो कि सही बात था। पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पटना में निर्मित तथा कलकत्ता में नीलाम किए गए अफीम की तस्करी से चीन नाराज था। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के बढ़ते खर्च तथा चीन से रेशम और चाय के भुगतान के लिए अफीम एक ऐसा द्रव्य था जिसकी चीनी जनता में बहुत मांग थी। फ्रेंड्स, अब आप कुछ खरीद रहे हो तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको पैसा कहीं ना कहीं से तो जुटाने पड़ेंगे। तो ब्रिटिश सरकार ने भी यही किया। उन्होंने अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अफीम बेचना चालू कर दिया, और जो कि चाइनीज जनता में इसकी बहुत मांग थी। पर इसके नशीले प्रभाव के कारण चीन शासक इसके विरुद्ध थे। युद्धों के परिणाम स्वरूप चीन को अपने 5 बंदरगाह विदेशी व्यापार के लिए खोलने पड़े, और हांगकांग द्वीप पर ब्रिटेन का नियंत्रण हो गया और अफीम व्यापार भी होता रहा। जैसे कि हम लोगों ने देखा फ्रेंड्स कि यहाँ पे कैसे यहाँ पे युद्ध हुआ, और यहीं से हांगकांग ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला जाता है, ब्रिटिश कॉलोनी के हाथ में चला जाता है, और यहाँ से हांगकांग एक अलग रूप से खड़ा होता है। सो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे अभी वीडियोस आज का लेक्चर जो है अभी यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आपको अगर अच्छा लगा हो, ये वीडियो थोड़ा सा भी आपके एग्जाम में अगर मदद करता हो फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अपने फ्रेंड्स और जो भी स्टूडेंट्स इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द मिले। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले फ्रेंड्स, बिल्कुल भी ना भूले। और वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ और वीडियोस बनानी है, कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। इस सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है, हांगकांग आंदोलन क्या है फ्रेंड्स, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। सो आप कनेक्टेड रहें, और इसका जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था जियोग्राफी ऑफ हांगकांग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों वीडियोज़ आपके एग्जाम्स के लिए। सो मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।